तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चावल की खीर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो काले चावल है, ये आए हैं इम्फाल से। सो इम्फाल से आए हैं, इम्फाल से इसलिए बिकॉज मेरे मौसा जी लाए हैं वहाँ से, उनकी पोस्टिंग इम्फाल में ही है। सो इसलिए उनने हमें भी दिए थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। सो आज हम बनाएंगे उसकी खीर, बिकॉज चावल के वैसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट मोस्ट ईजी जो है वो है खीर। और ये जो चावल है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए और आइज के लिए कंट्रोल करने के लिए शुगर लेवल। सो अभी हम करते हैं, बनाते हैं चावल की खीर और देखते हैं कैसी बनी, देन मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मम्मी चावल को अच्छे से धो रही है पहले, देन फिर उसके बाद इसको भिगाने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी यहाँ पे मम्मी पहले इसमें घी डाल रही है, फिर इसमें थोड़ी इलायची कूट के डालूंगी और उसके बाद इसको मैं थोड़े पानी में पकाऊंगी, उसके बाद दूध डालूंगी। तो अभी फिलहाल घी गर्म हो रहा है, देन इसके ऊपर मम्मी डालेगी इलायची थोड़ा टेस्ट के लिए। और ये रहे हमारे चावल जो हमने भिगाए थे, इसका पानी भी डाल देना, मैंने पहले ये धो के डाल रखे हैं ये चावल। और कितने अच्छे लग रहे, पिंक पिंक अच्छे लग रहे ना। पानी में पकाना पड़ेगा। तो अभी मम्मी ने चावल डाल दिया और अब ये मम्मी इसको थोड़ी देर इसको ऐसे पानी में पकाना है, जैसे कि भिगाए हुए चावल है वही डाल दिए। तो जो भिगाए के पानी था वही डाला अभी, क्योंकि मैंने चावल अच्छे से वॉश कर दिए थे ना पहले। तो अभी फिलहाल ये पक रहा है और इसकी स्मेल इतनी प्यारी आ रही है ना, ये देखो इलायची और घी की। तो अभी फिलहाल इसमें थोड़ी घी आ रही है, अच्छी खुशबू इसमें, और चावल की भी अलग सी स्मेल आ रही है बिल्कुल, जो मतलब नॉर्मल चावल में नहीं आती है। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी इसमें दूध डालेगी, फिर देखते हैं इसका क्या होता है। अभी फ़िलहाल जो हमारी खीर है वो पूरी पक चुकी है और अभी मम्मी इसमें डाल रही है दूध। गाइस, आपने कभी देखी पिंक कलर की खीर? सुंदर लग रही है ना। और इस पे डाल दिया अभी इतनी चीनी। देख लेंगे। बड़ी अच्छी लग रही है दिखने की, तो स्वाद भी आ रहा है अच्छा चावल में, मतलब पिंक नहीं पर्पल कलर दे रहा है ये, कुछ कुछ लोगों के ना पिंक कलर दिया जाता है ये है। और अभी मम्मी ने थोड़ी सी खीर दी है चखने के लिए, लेट्स सी कैसी हो रही है। मम्मी ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही मतलब ये गर्म नहीं हो रही है, देना थोड़ी सी और। बट बहुत ही प्यारा स्वाद है और बहुत ही अच्छी हो रही है। अभी तो थोड़ी सी टेस्ट करिए, अभी जब पूरी अच्छे से बन जाएगी फिर आप को बताती हूँ मैं कैसी बनी। थोड़ी सी और आ गई, तो अभी ये आ गई है, लेट्स सी कैसी हो रही है। अच्छी हो रही है, हाँ। चावल ये मोटे मोटे से हैं। बनके तैयार हो गई है खीर, किशमिश, काजू, बादाम मैंने धो रखे थे ना। सो यहाँ पे हमारी खीर पूरी अच्छे से रेडी हो गई है और अभी फ़िलहाल मम्मी ने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। तो अभी हमने सबने खीर खा ली है और सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये खीर बहुत ज़्यादा इजी थी बनाने में, बहुत ज़्यादा मतलब, और बहुत अच्छी भी थी, बहुत अच्छा टेस्ट भी था और बहुत मज़ा आया बना के भी। आप भी ज़रूर बनाना अगर कभी आपके पास चावल आए तो। सो अभी फ़िलहाल हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।